हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गाना ऐप पर शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है, क्योंकि गाना ऐप पर एक नया फीचर आया है जिसमें हम टिकटॉक की तरह वीडियोस में देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए हम गाना ऐप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन दे रखा है हॉट शॉर्ट मिडिल में, तो इस पर हम क्लिक करके हॉट शॉर्ट वीडियो ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इसमें नीचे आएंगे सबसे नीचे और न्यू हॉट शॉर्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये हॉट शॉर्ट वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो इन वीडियो को हम देख सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये कैमरा जो बना हुआ है रेड कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड्स पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ वीडियो सिलेक्ट करेंगे किस वीडियो को हमें अपलोड करना है, तो इस वीडियो को हमें अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस वीडियो की हम ड्यूरेशन कम करना चाहें तो नीचे ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं, यानी इसे ट्रिम कर सकते हैं, या फिर हम गैलरी पर जाकर इसमें दोबारा भी इमेज या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमें अपलोड करनी है। उसके बाद हम ऊपर आएंगे और सेव इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले दिखा रहा है ऐड साउंड क्लिप, यहाँ हम साउंड ऐड कर सकते हैं। फिल्टर, इसे फिल्टर कर सकते हैं, तो हमने फिल्टर पर क्लिक किया तो यहाँ हम अलग अलग इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और इफेक्ट स्पीड टेक्स्ट स्टिकर या वॉल्यूम में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इफेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे अलग अलग इफेक्ट दिखा रहा है। हम कोई भी इफेक्ट वीडियो में यूज कर सकते हैं, डार्क इफेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर स्क्रीन स्लिप्ड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने डार्क इफेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये स्क्रीन जो है, हमारी स्लाइड जो है वो डार्क हो चुकी है। उसके बाद सेव इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम स्पीड इफेक्ट इसका यूज करेंगे, तो स्पीड इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ दो इफेक्ट दे रखे हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, सोलोमो या रिपीट इफेक्ट, कौन सा भी हम यूज करना चाहें वो इस वीडियो में यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो भी हमें इस वीडियो पर टेक्स्ट लिखना है, मान लिया हमें लिखना है CVV। उसके बाद इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने रेड कलर कर दिया है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टिकर ऐड करना चाहें हम स्टिकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ अलग अलग स्टिकर्स दे रखे हैं जिनका यूज हम वीडियो में कर सकते हैं और अट्रैक्टिव वीडियो बना सकते हैं। तो जैसे हमने एप्पल सेलेक्ट किया है तो इसे एप्पल को थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं, यानी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब सही है। उसके बाद हम फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में आया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी एडजस्ट करना चाहें हम यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड दिखा रहा है वॉल्यूम एडजस्टमेंट। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऊपर साउंड ऐड साउंड क्लिप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ साउंड सेलेक्ट करेंगे हमें कौन सा म्यूजिक इस वीडियो में ऐड करना है। तो माही वाला हम ऐड कर लेते हैं इसमें, तो हमने ऐड पर क्लिक किया, ये ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहें तो वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साउंड क्लिप इसे हम मिनिमम कर देंगे और बैकग्राउंड को बढ़ा देंगे जो म्यूजिक हमने ऐड किया है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, यानी डन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इस पर जाएंगे, ये वीडियो क्रिएट हो रहा है यानी कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ वीडियो का टाइटल और हैशटैग एंटर कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट इमेज पर जाके हम इस वीडियो का थंबनेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट इमेज पर हमने क्लिक किया और यहाँ कोई भी थंबनेल हम सिलेक्ट करना चाहें इस वीडियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर हम हैशटैग एंटर करेंगे, तो हैशटैग फैशन, उसके बाद एक हैशटैग और लगा देते हैं हिप हॉप, और इस वीडियो को फाइनली हम अपलोड कर देते हैं। तो नीचे आएंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड
इस पर क्लिक करेंगे और ये वीडियो अपलोड हो रहा है। हो चुका है और ये वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो रहा है। योर वीडियो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और ये वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इस प्रकार हम गाना ऐप पर हॉटशॉट वीडियो अपलोड कर सकते हैं।